इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 का जो फॉर्म निकल के आया हुआ है, उसमें सबको सिग्नेचर अपलोड करने में दिक्कत आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, किस तरह से आप लोग सिग्नेचर साइज करके अपलोड कर सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इससे पहले मैंने और एक वीडियो बनाया जिसमें आप लोग को वेबसाइट के माध्यम से बताया है किस तरह से सिग्नेचर का साइज करना है। वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप लोग वो जाके वो वीडियो देख सकते हो, वो वीडियो से भी आप लोग का अपलोड हो जाएगा। ये वीडियो जो मैं बताने वाला हूँ, ये आप लोगों को टोटल सिस्टम से बताने वाला हूँ। जिनके जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप है वही कर सकते हैं, ठीक है। और जो पुराना वीडियो उस पर आप लोग का मोबाइल से करो या सिस्टम से करो, दोनों ही प्रोसेस से कर सकते हो। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि कभी कभी वेबसाइट के माध्यम से फोटो ब्लर आ जाता है, तो आप लोग को सिस्टम का टूल से बताएंगे ताकि आप लोग का ब्लर से आप लोग बच सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। और इससे पहले मैंने दो वीडियो और बना दिए हैं जिसपे आप लोग का लाइव फोटो, जो ये क्यूआर माध्यम से आप लोग फोटो खींचना है लाइव वाला, उसका प्रोसेस भी बता दिए हैं, और आप लोग का सिग्नेचर अपलोड करने के वाला प्रोसेस भी बता दिए, वो भी देख लेना, ठीक है। आपको मैं दोनों ही वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे, एसएससी सीजीएल नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आप लोग सिस्टम के माध्यम से कैसे सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो पहले क्या करना है, आप लोग इस तरह देख पा रहे हो, सिग्नेचर कर लेना है। यदि स्कैनर होगा तो स्कैनर या मोबाइल से, अच्छे मोबाइल से फोटो खींच लेना है। फोटो खींचने के बाद यहाँ पे देखो फोटोशॉप में आना है, यहाँ पे क्रॉप टूल सेलेक्ट करना है। क्रॉप टूल सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से इसको क्रॉप कर लेना सिग्नेचर पे। देखो इस तरह से सिग्नेचर क्रॉप करना है, देखो अब इस तरह से क्रॉप करना है। आपको इतना ज्यादा एरिया लेना होगा, देखो इतना इतना ज्यादा एरिया लेना होगा। बोलो सर इतना ज्यादा एरिया क्यों लगता है, दूसरा जो फॉर्म होता है इतना, तो इसको इतना इतना नजदीक रखते हैं, दूसरा दूसरा फॉर्म में हम लोग का काम हो जाता है। देखो इतना इतना सामने रखोगे आप लोग का काम हो जाता है दूसरा फॉर्म में, बट एसएससी सीजीएल में आपका काम नहीं होगा। आपको कम से कम इतना एरिया रखना होगा, देख पा रहे हो आप लोग, देखो कम से कम आप लोग इतना एरिया रखना होगा। देखो इस तरह का आपको एरिया रखना होगा। और सिग्नेचर जो करोगे, क्योंकि बड़ा आप लोग का एरिया लग रहा है, तो आपको क्या करना है, सिग्नेचर बड़े करना, मतलब बड़ा अक्षर अक्षर करना। देखो ये बड़ा, इससे भी बड़ा कर सकते हो तो कर सकते हो, क्योंकि आपको और भी एरिया ले लो कोई दिक्कत नहीं आपको, क्योंकि बड़ा एरिया यहाँ मांगा गया है, ठीक है। देखो इस तरह का फोटो काटना है, इस तरह से काट लेना है। इसके बाद आप लोग देखो ये आपको धुंधला जैसे दिख रहा होगा, बट जूम करेंगे ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं समझना कि धुंधला दिख रहा है, तो ये काट चुका है। अब इसको देखो फाइल में आना है, सेव एज़ का ऑप्शन क्लिक करना आप लोग को। और ये जो क्रॉप मैंने बताया फोटोशॉप के माध्यम से हम क्रॉप किए, आप किसी भी माध्यम से क्रॉप कर सकते हो। और ये मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ तो थोड़ा लंबा जा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं VB1, और सिंपली सेव वाला ऑप्शन पे जाएंगे, और सिंपली देखो यहाँ पे हाई में सेव कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा सीजीएल नाम पे फोल्डर पे अभी हम जो किए वो बताएंगे, ठीक है। देखो VB ये वाला भी हम सेव किए, ठीक है। देखो ये मेरा सेव किया, अभी देखो इस तरह से लंबा लंबा खिंचा चुका है। आपको क्या करना है, इसको साइज में करना, ठीक है, अपलोड करना है। तो सिंपली देखो यहाँ पे पहले क्रॉप कर लेना, आपको जिस माध्यम से हो, जैसे मैंने फोटोशॉप के माध्यम से किए, अब जिस माध्यम से हो आपको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद सिंपली इसको साइड बटन क्लिक करना, ओपन बीच में जाना है, और पेंट वाला ऑप्शन देखिएगा, सिंपली आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद सिंपली देख पा रहे हो आ जाएगा इस तरह का। इसके बाद देख पा रहे हो यहाँ पे एक ऑप्शन देखेगा आपको, देख पा रहे हो रिसाइज एंड स्केच, इसका शॉर्टकट की क्या है, Ctrl W, ठीक है। आप सिंपली यहाँ क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे क्लिक करोगे, आज यदि आप लोग विंडो 7 यूज करते हो तो अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बट यही देखने को मिलेगा, मतलब यही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। शॉर्टकट की इसका Ctrl W रहेगा, क्या सिंपली इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, परसेंटेज पिक्सल का ऑप्शन देगा, सिंपली आपको पिक्सल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद ये देख पा रही है लॉक देगा, ये लॉक हटा देना है। ये लॉक हटाने के बाद सिंपली आपको लिख लेना है 708, देखो वीर पे हॉरिजॉन्टल पे आपको लिखना है 708, और वर्टिकल पे आपको क्या लिखना है 236, जो हम बताए वही लिखना है। लिखने के बाद सिंपली देखो ओके वाला टैब दिखेगा, सिंपली ओके कर लेना है। ओके करोगे, इसके बाद देखो ओके करने के बाद यहाँ देखने को मिल जाएगा कि आपका हो चुका है, और सिंपली ऊपर में दिखेगा आपको सेव वाला बटन या शॉर्टकट की Ctrl S क्लिक कर सकते हो। सिंपली क्लिक करोगे आप लोग का देख पा रहे हो फोटो आ जाएगा, देखो 708 × 236 पे बन गया है, और मेरा साइज कितना हो चुका है देख पा रहे हो, 21 KB हो चुका है। लेकिन यदि आप लोग का साइज में गड़बड़ हो जाता है, यदि आप लोग का साइज क्या बोला गया है 10 से 20 KB बोला गया है, पहले आप लोग हम साइज समझा देते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो साइज वाले सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ बताया गया कि फोटो आप लोग का 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए, जो कि आप लोग का JPG या JPG फॉर्मेट होना चाहिए, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे डायमेंशन बोला गया आप लोग का क्या होता है, 6 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और आप लोग का सिग्नेचर ब्लर नहीं होना चाहिए, मिनिएचर नहीं होना चाहिए, मतलब लघु नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोग फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग का सिग्नेचर हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए, मतलब आप लोग का सिग्नेचर ऐसा ऐसा अपलोड होना चाहिए, टेढ़ा टेढ़ा अपलोड नहीं होना चाहिए। अभी हम जब अपलोड करेंगे तब आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ चुका है। अब देखो जब हम पेंट से कर लेंगे, देखो मेरा ऑटोमेटिक यदि आप लोग ये 708 × 236 किए तो ऑटोमेटिक यदि 10 से 20 KB के अंदर आ जाता है, तो आपको यही सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। लेकिन यदि आप लोग का सिग्नेचर नहीं अपलोड होता है, ठीक है, मतलब आप लोग का 10 से 20 KB से ज्यादा चल जाता है, उस कंडीशन में क्या करना है, आपका फोटो ये सेव हो चुका है, और फोटो आपका जो सेव हुआ है आपको वही वाला फोटो आप लोग का, देखो V11 करके यही वाला फोटो देखो मेरा अभी देख पा रहे हो, डायमेंशन देख पा रहे हो, आपको प्रॉपर्टीज भी दिखा देते हैं। हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे हम लोग, तो यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे डिटेल वाले सेक्शन में जाएंगे, देख पा रहे हो मेरा डायमेंशन 708 और 236 है, ठीक है।
और शायद ये किसके भी के करीब है, इसी को आप लोगों को क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। किस पे ओपन कर लेना है, फोटोशॉप में ओपन कर लेना है। इस तरह से फोटोशॉप में ओपन कर लोगे, देखो अपडेट दिख रहा है, क्योंकि मेरा ये किया, देखो अपडेट में आ चुका, जो अभी आप लोग साइज किए, हम लोग डायमेंशन किए, वो वाला मेरा साइन है। अब देखो यहाँ पे आना है, इसके बाद सिंपली आना है आपको। आने के बाद सिंपली देखो यहाँ पे फाइल वाला ऑप्शन दिखेगा, सिंपली फाइल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर सेव एज का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली सेव एज का ऑप्शन क्लिक करना है। सेव एज का ऑप्शन क्लिक करने का फायदा ये क्या है, क्या है आप लोग का फायदा, कि आप लोग का वही फोटो कोई अलग नाम का कॉपी का बन जाएगा। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको नाम चेंज कर लेना खाली, ठीक है। तो सिंपली हम कर लेते हैं, डी डी लिख लेते हैं, डी 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 एक एक कर दिए। आपका सिंपली नाम चेंज कर दोगे, आपका यही सिग्नेचर का अलग कॉपी बन जाएगा। सिंपली क्लिक करना है यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आप लोगों को साइज बताया जाए कि आप सिग्नेचर का साइज कितना रखना चाहते हो। तो सिंपली देखो यहाँ पे 23 KB दिख रहा है। अब सिंपली आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो फिर आ जाएगा 10 KB। यहाँ जितना दिखेगा और सेव होगा, 5-6 KB बढ़ के सेव होता है। तो यहाँ 10 दिख रहा है, तो सेव मेरा 16 KB के बीच होगा। तो हम इसी को रख लेते हैं, 10 ही रखेंगे। इस तरह से देखो यहाँ ऊपर नीचे करके आपको कर सकते हो। सिंपली हम यहाँ 10 ही रखते हैं, और सेव जब करेंगे हम लोग, तो मेरा 16 KB या 15 KB के करीब आएगा, ठीक है। तो देख पा रहे यहाँ पे देखो मेरा आ चुका है। देखो अभी क्या हम डी नाम से सेव किए, देखो ये वाला मेरा है, अलग कॉपी मेरा बन चुका है। देख पा रहे हो मेरा वहाँ 10 दिख रहा था मेरा साइज, लेकिन कितना हुआ देख पा रहे हो, साइज मेरा कितना हुआ, 14-15 KB के करीब हुआ है। अब डिटेल में जब जाएंगे तो यहाँ देख पा रहे हो डायमेंशन में मेरा कुछ चेंज नहीं होता। एक बार आप डायमेंशन जैसे कर देते हो तो वो कभी आप लोग का चेंज नहीं होता, ठीक है। अब सिंपली ये सिग्नेचर जो है मेरा इजिली अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपली हम देखो यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर वाले सेक्शन पे जाएंगे, देखो यही वाला है मेरा DD11 करके, ये वाला फोल्डर है मेरा। सिंपली इस तरह सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा समय लेगा, देख पा रहे आप लोग का अपलोड हो चुका है। देखो यहाँ पे मेरा अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग का ब्लर देखने को मिले, देखो यहाँ पे यदि ब्लर देखने को मिले, तो आप लोग और एक मैं प्रोसेस बताए हैं आप लोगों को, जो कि वेबसाइट के माध्यम से बताए, वो जाके कर सकते हो। बट आप लोग का एक बार भी फोटोशॉप से आ जाता है और पेंट पे करने के बाद, तो आपका ब्लर नहीं दिखेगा। देख पा रहे आप लोग ब्लर नहीं दिखेगा, देखो आपको ठीक लग रहा है, ब्लर नहीं लगेगा आप लोग का, रिजेक्ट इससे नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो, उम्मीद करते समझ में आ गया है। इसके अलावा यदि आप लोग देखो, आप जब करोगे पेंट के माध्यम से, तो आपको एक दो एरर भी देखने को मिलेगा। तो वो एरर से आप लोग कैसे बचोगे, आप लोग हम बताते हैं। जैसे कि ये पेंट में मेरा ये फोटो हम लोग किए थे, इसको अब हटा देते हैं, ठीक है। अब हटा देते हैं, समझ लो कि ये मेरा एक सिग्नेचर, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और पेंट पे ले जाने की कोशिश करते हैं। सिंपली पेंट पे ले जाने की कोशिश करते हैं, और सिंपली पेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा, फोटो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से हम देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, देख पा रहे हो आप लोग Ctrl W, सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद देख पा रहे यहाँ पे आना है पिक्सल वाला ऑप्शन, सेम टू सेम प्रोसेस, ये लॉक हटा देना है। ये लॉक हटाने के बाद हॉरिजॉन्टल पे आपको क्या बोले, कितना क्लिक करना, 708, ठीक है, 708 क्लिक करोगे, और यहाँ पे लिखना है आप लोगों को, देना लिखना था 236, ठीक है, लिखना था यही, और ओके करना है। जैसे ओके करो, ये देखो यहाँ पेंट के माध्यम से तो ये मतलब क्लिक हो जा रहा है, बट आप लोग वेबसाइट के माध्यम से क्लिक करोगे तो कभी कभी क्या होगा, आप लोग का 708 जब क्लिक करोगे, बोलेगा कि नहीं आपका इतना एरिया नहीं है कि हम विड्थ में 708 कर दे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जो फोटो क्लिक करोगे, आप लोग फोटो जो यहाँ पे काटोगे, ये आप लोग कम एरिया में काटे होंगे, इसलिए आपको वो एरर देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली करना, फोटो थोड़ा लंबा लंबा काट लेना, इससे थोड़ा कम काटोगे चल जाएगा। यदि आप लोग दिखे उस तरह का एरर कि आप लोग ये फोटो का साइज नहीं हो रहा, तो सिंपली इसको थोड़ा लंबा लंबा आपको इस तरह का काट लेना है, तभी वो एरर आप लोग का हट जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते समझ में आ गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि आप लोग का ये अपलोड नहीं होता, ये करने में दिक्कत आ रहा है, तो मेरा और एक वीडियो बना हुआ, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा लाइव फोटो किस तरह से क्लिक करना, उसका भी वीडियो बना हुआ है, आप वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है, और इस तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।